हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तारा ऑलवेज चैनल। और आज हम बात करेंगे बॉडी लोशन के बारे में, क्योंकि विंटर शुरू हो चुके हैं तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छा सा बॉडी लोशन जाए जो हमारे स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दे। तो मैंने लिया है वाओ स्किन साइंस का शिया बटर बॉडी लोशन, और मैंने इसको लिया तो इसका पंप मुझे टूटा हुआ रिसीव हुआ है, जो कि मुझे काफ़ी शॉकिंग भी लगा और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैंने बहुत होप से इसको लिया था, क्योंकि इसका पंप ही मुझे देखने में काफ़ी क्यूट लग रहा था, वो ही मुझे टूटा हुआ रिसीव हुआ। फिर मैंने इसमें एक अदर पंप जो मेरे अदर बॉडी लोशन का था वो मैंने इसमें अटैच कर दिया, जो कि इसको बिल्कुल फिट आया। तो और ये प्रॉपर वर्क भी काफ़ी अच्छे से कर रहा है ये पंप, तो मैंने इसको इसमें फिट कर दिया। चलिए अब बात करते हैं हम बॉडी लोशन की कि ये किस स्किन टाइप के लोग इस बॉडी लोशन को लगा सकते हैं, क्योंकि मेरी स्किन सर्दियों में ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो मैंने इसी पर्पस से इसको लिया था। ये इसकी पैकिंग है, ये प्लास्टिक रैप में आता है ये बॉडी लोशन। वैसे तो ज़्यादातर प्रोडक्ट सभी प्लास्टिक रैप में ही आते हैं, तो मैंने इसका रैप हटा दिया है ताकि सब कुछ हमें अब क्लियर दिखाई दे, जो इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं जो लिखे हुए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी। देखिए आप, ये एक वाइट कलर का इसका टेक्सचर वाइज भी इस देखिए काफ़ी ना तो थिक है और ना ही रनी है, मीडियम कंसिस्टेंसी है इसकी, देख सकते हैं आप। और एक प्रॉपर वाइट जेल टाइप लगेगा आपको जब इसको आप लगाते हैं, तो काफ़ी स्मूथली ये स्प्रेड हो जाता है आपके, बटरी सॉफ्ट है क्योंकि ये शिया बटर है इसके अंदर, तो बटरी सॉफ्ट इफ़ेक्ट देता है ये और काफ़ी स्मूथली स्प्रेड हो जाता है। देखिए मॉइस्चराइजिंग भी लग रही है मेरी स्किन और थोड़ा ग्लो भी आ चुका है, ये देख सकते हैं आप अच्छे से ग्लो प्रोवाइड किया है इसने, और काफ़ी अच्छी लग रही है प्लम्पी सी स्किन जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे। लेकिन मैं इस किस आपको बता दूं कि ये जो ज़्यादा ड्राई स्किन होती है उन लोगों को ज़्यादा सूट नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल स्किन के साथ जाएगा, ऑयली स्किन को भी अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन जो सुपर ड्राई स्किन लोग हैं वो इसको ना ही लें तो बेटर है, क्योंकि ये ज़्यादा ड्राई स्किन को ज़्यादा वर्क नहीं करता है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है ड्राई स्किन की ये पूरी तरीके से उसको कवर नहीं कर पाता है। क्योंकि मैंने इसे पर्सनली यूज़ किया है तो शिया बटर है इसके साथ, तो मैंने यही सोचा था काफ़ी मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करेगा ये मुझे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसने ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग, जब आप लगाएंगे तब आपको फील होगा मॉइस्चराइज है, लेकिन ये डीपली मॉइस्चराइज नहीं करता है ड्राई स्किन प्यूपिल को। 2 ईयर्स की इसकी सेल्फ लाइफ मिल जाती है हमें, और इसका जो प्राइस है वो है 399, ऑफ़र चलता रहता है तो आप देख सकते हैं कुछ ऊपर नीचे हो सकता है प्राइस, और इसका जो नेट वॉल्यूम है वो है 300 ml। शिया बटर एंड कोको बटर मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन, 24 आवर मॉइस्चराइजिंग डीप हाइड्रेशन, नो मिनरल ऑयल, पैराबेन, सिलिकॉन कलर एंड PEG, थर्मोलॉजिकली टेस्टेड, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये, ऐसा इस पैक के ऊपर मेंशन किया हुआ है। इसका जो पंप है वो मुझे टूटा हुआ रिसीव हुआ था, और मैंने नायका कस्टमर केयर पर बात की थी तो उन लोगों ने मुझे कोई हेल्प नहीं की और इसको चेंज भी नहीं किया। अगर ये अदर पंप मेरे पास नहीं होता तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, थैंक गॉड कि मेरे पास ये अदर पंप था जो मैंने इससे अटैच कर लिया और मेरा काम चल गया। अब ये ऐसे ही मैं इसको प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी स्मूथ है लगाने में, काफ़ी ग्लो करती है इसकी, लेकिन सुपर ड्राई स्किन वालों को थोड़ा कम इससे हाइड्रेशन मॉइस्चराइजिंग फील होगा, क्योंकि मैंने इसे पर्सनली यूज़ किया है। कोई भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने से पहले उसका पेस्ट टेस्ट ज़रूर कर लें तभी इसको अप्लाई करें, क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स से कुछ लोगों को काफ़ी एलर्जी होती है, तो इसके जो भी कभी आप यूज़ करें तो इसका छोटा जो पैक आते हैं आप उसको, अगर वो मिल जाए तो आप उसको ही पहले ट्राई एंड टेस्टेड करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू सो मच, बाय।